आपको ये कहानी भी बेहद पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं किस्सा बाजार की तीसरी कहानी की तरफ। कहते हैं कि आदमी कितनी तरक्की कर ले और उसका व्यवहार उसका कर्म ही उसे सबसे बड़ा बना रहा है। फिर चाहे वो कितनी दौलत शोहरत ओहदे कमा ले पर वो किसी काम के नहीं रह जाते जब उसके कर्म अपनों पर भारी पड़ने। और वो कहते हैं ना कि भगवान ठोकर देख के उस आदमी को सुधारता है और एक मौका और देता है। तो बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ जो यही संदेश देती है। कहानी का नाम है मंत्र और जिसे लिखा है हिंदी साहित्य के दाता श्री प्रेमचंद जी ने। चलिए शुरू करते हैं। नारायणी नारायणी मेरा रुमाल और पर्स कहाँ रख दिया है? नारायणी अरे क्या हुआ क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मेरा रुमाल और पर्स कहाँ रख दिया है? जब से पूछ रहा हूँ टाइम हो गया मेरे जाने का। अरे भाई शेल्फ पे तो रखा है। शेल्फ पे एक सेकंड देख लेता हूँ। हाँ मिल गया मुझे। हुजूर अरे कौन है क्या चाहिए इस वक्त? हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरे लड़का कई दिनों से बीमार है। अरे कल सवेरे आओ भाई कल सवेरे, इस वक्त हम मरीजों को नहीं देखते। दुआ है सरकार की लड़का मर जाएगा हुजूर, चार दिन से उसने आंखें नहीं खोली हुजूर। अरे कल सवेरे आओ अभी हमारे खेलने का समय हो गया है। हुजूर एक बार देख लीजिए बस एक बार, सात लड़कों में यही एक बच्चा है हुजूर हमारे में। हुजूर बस बचा लीजिए मेरे लड़के को हुजूर, अम्मी अभी भी मर जाएंगे हमारे को भी नहीं सारे लगाओ। हुजूर दया कीजिए हुजूर हुजूर। बोल रहे हो बाकी अपना बर्थडे बॉय कहाँ? कैलाश नमस्ते।
हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा। खिलाफ अरे तुम्हारे दोस्त आए भाई। आया पापा, बस दो मिनट। अच्छा वो आ रहा है, आप लोग बैठो एंजॉय करो, मैं जरा अंदर के इंतजाम देख रहा हूँ। जी और बताओ मृणाल जी, क्या चल रहा है आजकल तुम्हारा? कुछ नहीं, बस घर पे ही हूँ। तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? मेरा भी कुछ खास नहीं, ऑफिस में रहता हूँ पूरा दिन। ये देखो आ गए जनाब, मिल गई फुर्सत, हो गई तुम्हारी मीटिंग खत्म। भाई सबसे पहले तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। भगवान करे कि तू इस साल भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रह जाए। बस कर बस कर। और ये क्या है भाई, एक बार गलती से तेरा बर्थडे क्या मिस कर दिया? तू तो लगा ताने मार रहे एक बार। जानती हूँ मृणाल जी। अरे बस करो, बाद में लड़ लेना, पहले मुझे बर्थडे तो विश कर ले दो। हैप्पी बर्थडे कैलाश। थैंक यू। यू लुकिंग टू गुड टुडे। हां थैंक यू सो मच। थैंक यू। लुकिंग गुड, लुकिंग गुड। देख भाई कैलाश, ये तो अपना गिफ्ट पकड़। थैंक यू। और भाई आज तेरा बर्थडे है, मुझे चाहिए रिटर्न गिफ्ट। हां हां भाई बिल्कुल, बता क्या चाहिए तेरे को। अरे भाई इतने दिनों से बोल रहा हूँ तुझे, तेरे कलेक्शन में जो सबसे जहरीला सांप है ना वो दिखा दे हमें, लेकिन तू है कि सुनता ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो शशांक। कैलाश प्लीज मुझे भी सांप देखना है। आज नहीं यार, फिर कभी। आज रहने दे प्लीज। आज नहीं। अरे ये क्या बचपना लगा रखा है यार, आज बर्थडे वाले दिन ये कौन सांप आप दिखाता है? I promise, कल पक्का दिखाऊंगा, ठीक है? आज रहने देते। वाह भाई कैलाश, तू तो बड़े भाव खा रहा है। जानती हूँ मृणाल जी, इसने कॉलेज में सांपों को लेकर लेक्चर दिया है। जूलॉजी में इसके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता। सांपों से जुड़ी हुई एक से बढ़कर एक जड़ी बूटी जमा कर रखी है इसने। वैसे भगवान ने भी क्या कमाल की जोड़ी बनाई है। तुम इसके पीछे पागल हो और ये भाई साहब सांपों के पीछे पागल है। अच्छा जी, ज्यादा बोल रहे हो, खोलो द्वार। बोल कैलाश प्लीज, देखो कल तक का वेट नहीं होगा मुझसे, मुझे आज ही सांप देखने हैं, और अगर कल दिखाओगे तो फिर मैं कल आती हूँ। अरे 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 रुको बाबा, क्या बचपना लगा रखा है तुमने, आज के दिन आज भी वही मुंह फुला के बैठ गई। ठीक है, तुम्हें सांप देखना है? हाँ। तुम्हें भी देखना है? हाँ भाई हाँ, इतने दिनों से यही तो बोल रहा था। ठीक है बैठो तुम लोग, लाता हूँ मैं। इस बार तो मार गया। बहुत जिद्दी है, बहुत ज्यादा जिद्दी है। कितना भी बोलूं इसे मानता ही नहीं। बिल्कुल नहीं मानता, हर बार बहाने पे बहाने, लेकिन इस बार तुम्हारी वजह से मानना है। क्यों नहीं मानता, मानना तो था ही। बिल्कुल हाँ। ये देखो, ये है मेरे कलेक्शन का सबसे जहरीला सांप। देखो देखो कैलाश, देखो कैलाश पीछे पीछे। सुन कैलाश, तूने इसके जहरीले दांत तो तोड़ रखे हैं ना? दांत तोड़ रखे हैं? ये दांत मात तोड़ना मदारियों का काम है, मदारियों का। कोई दांत वात नहीं तोड़े हैं मैंने इसके, यकीन ना हो तो दिखाओ। ये देखो 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 दिखा। हाँ हाँ भाई, देखो हाँ भाई। कैलाश देखो इसे, प्लीज प्लीज इसे दूर रखो। डरपोक कहीं के। हाँ वैसे एक बात बताऊं, सांप एक ऐसा जानवर है, उसे अगर ये विश्वास हो जाए कि मुझे इससे कोई खतरा नहीं, तो यकीन मानो वो नहीं काटते। देखो ये देखो अभी पीछे पीछे भाई देखो। लेकिन भाई ये खतरनाक भी हो सकता है, तू अभी से वहां हट सकते। बस देखो कैलाश, इसे इसे प्लीज वापस रख दो। देखो हो गया। हाँ हमने देख लिया ना, अब प्लीज इसे वापस रख दो। पक्का? हाँ पक्का। अब तो नहीं रूठोगी ना? अरे नहीं रूठूंगी बाबा, नहीं रूठूंगी, रख दो। ठीक है भाई। हजार बार समझाया कि सांपों को मत पाल, पर नहीं सुनता।
अब इसकी उंगली काटनी होगी। बेटे एक काम करो, अंदर से स्कैल्पर ब्लेड लिया, हरी अब जल्दी जाओ। नहीं नहीं, नहीं। हाँ। रुको पापा, बेटा उसकी जरूरत नहीं है। मृणाल ने मेरे मेरे डोर में जड़ी जड़ी बूटियां रखी। जड़ी बूटियां? जाओ ठीक है कैलाश, मैं अभी ले आती हूं। जल्दी जा, कुछ नहीं होगा बेटा, मत रखो। कैलाश मत रुक। ओह ओह कुछ नहीं होगा बेटा, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। चलो इससे कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा पता नहीं अंकल जी, बट कैलाश विश्वास करता है इस पे, तो शायद ही काम करे। कैलाश बेटा अब तबीयत कैसी है आपकी? ये तो कुछ नहीं बोल रहे अंकल, इसकी तबीयत तो खराब ही होती जा रही है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है किसी जड़ी बूटी वाले बाबा को बुलाया जाए, कैलाश की जान बचाई जा सकती है। उंगली काटने का भी कोई फायदा नहीं है, जहर तो बहुत ज्यादा फैलते जा रहा है। ओ गॉड, बेटा एक काम करो, कोई भी झाड़ फूक करने वाले बेटा तो पकड़ के लिया, वो जो भी मांगेगा मुझे सब कुछ दे दूंगा। बेटे जल्दी जाओ, बेटे जल्दी जाओ, जल्दी जाओ बेटा, बेटा कल के लिए तो सन है नहीं, कुछ सोचे हैं क्या करेंगे? जाके जमींदार साहब से 10 सन उधार ले आऊंगा। इसका तो पहले का भी उधार बाकी है, और उधार देगा आपको? ना देगा ना सही, घास तो कहीं नहीं गई, और शाम तक क्या दो आने की घास ना काट पाऊंगा। मेरे कहने का वो मतलब नहीं, मैं इस वक्त कौन है? अरे कौन है भाई, दरवाजे पर आ जाओ। भगत बाबा का घर यही है क्या? हाँ हाँ मैं ही हूँ भगत बाबा, बताओ क्या हुआ? अरे वो डॉक्टर चड्डा है ना, जो हवेली में रहते हैं, उनके लड़के को सांप ने काट लिया है। आप जल्दी से चल के देख लो एक बार। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरी बला से कोई भी जाए। बाबा मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप ही अंतिम उम्मीद हो उसके लिए, आप चल के देख लो एक बार। नहीं तुम्हें नहीं पता, अपने लड़के की जिंदगी की भीख मांगने गया था उसकी चौखट पर, मेरी तरफ एक नजर ना देखा, मैं बोलता रहा हुजूर मेरे लड़के को बचा लीजिए वो मर जाएगा, मगर मेरी उसने ना सुनी। अब पता चलेगा उसे कि लड़के के जाने का गम क्या होता है। और कितने लड़के हैं उसके? बाबा एक ही लड़का है, अब तो सब डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए, कोई भी जड़ी बूटी काम नहीं कर रही है। बाबा पापा आप ही अंतिम उम्मीद हो उसके लिए। अच्छा तुम्हारी ये बात सुनकर कलेजा ठंडा हो गया, लड़का भी ठंडा हो जाएगा, और मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम भी जाओ यहां से, जाओ। ठीक है बाबा मैं जाता हूं, मगर बाबा आप एक बात याद रखिएगा, अब बाप के किए की सजा उसके बेटे को दे रहे हैं। अब पता चलेगा लाला को कि लड़के के जाने का गम क्या होता है। हमारे लड़के के जाने पर क्या गया, कोई राजपाट तो नहीं चला गया ना? जहां 6 लड़के गए वहां एक और चला गया, लेकिन उसका उसका तो राज ही सोना हो जाएगा। गरीबों का पेट काट काट कर जोड़ा है ना, जिसके लिए जोड़ा वो ही नहीं रहा, अब क्या करेगा? उसकी छोड़िए,
आप अगर इतनी जाड़ पाले की रात में उस तरफ जाने की सोच रहे हैं तो कैसे जाइएगा? भला तुम्हें किसने कहा मैं जाने की सोच रहा हूँ? दोपहर भी होती तो भी ना जाता। इतने सालों से जानती हूँ आपको, सब पता है मुझे। किसी के बच्चे को सांप ने काट लिया है और आप कहीं बैठे रहेंगे? हाँ हाँ। अब कहाँ चल दिए? बस वहां तक जा रहा हूँ, देखा हूँ कितना अंधेरा हुआ है। अब मैं बिछौना बिछाऊंगी, आकर सो जाइए। अभी नींद नहीं आ रही है। नींद कैसे आएगी? मन तो आपका चड्ढा भी घर पे लगा हुआ है। तुम्हें किसने कहा मैं चड्ढा के बारे में सोच रहा हूँ? उसने कौन सी दया दिखाई हमारे लड़के पर? तो फिर ठीक है, आपको जो सही लगता है ना सो कीजिए, मैं सोने चली। राम राम भगत बाबा। राम राम चौकीदार साहब। कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? जाऊंगा कहाँ, बस यूं ही टहल रहा था, देख रहा था कितना अंधेरा हो रहा है। क्या बजे होंगे? 1 बज रहा है बाबा। मैं भी अभी थाने से ही लौट रहा था, वहां से खबर सुनी है कि डॉक्टर चड्ढा साहब को लड़के को किसी कीड़े ने काटा है। बहुत से लोग देख आ चुके हैं, आप भी देख आइए, शायद आपकी जड़ी बूटी और मंत्र से वो ठीक हो जाए। और सुना है ठीक करने वाले को 10,000 रुपये भी दे रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा, क्या करूंगा मैं जाकर? 10,000 दे या 1,00,000, मैं आज मरा कल मरा, कौन भोगने वाला बैठा है? ठीक है बाबा, जैसी आपकी मर्जी। बाबूजी, कौन है भाई? आज तो ऐसी मुसीबत आ गई कि क्या बताएं। फिर कभी आना, 1 महीने तक किसी मरीजों को नहीं देख पाऊंगा। बाबूजी जानता हूं, इसीलिए आया हूं। सुना लड़के को सांप ने काट लिया है, मुझे दिखाइए लड़के को। भगवान बड़ा कारसाज है, क्या पता कब दया आ जाए उसे। आई देख लीजिए, पर 3-4 घंटे हो चुके, जो होना था वो हो चुका है बेटा। जी जी, अब आप आ गए। इस और बात बाबूजी, नारायण चाहेंगे तो बेटा आधे घंटे में उठ बैठेगा। सच बाबा जी, आप ही उनकी दिल छोटा ना करें। मेरे एक लौता बेटा है, कैसे ना कैसे करके ठीक कर दो मेरे बेटे को। आप जो भी मांगोगे मैं अपनी पूरी जायदाद आपको दे दूंगा। बाबूजी प्लीज मेरे बेटे को ठीक कर दो, कर दो। सब ठीक है, आप एक काम करिए, एक लोटे में पानी और एक गिलास ला दीजिए बेटा। Om Hari 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 Om
हो सारा बेटे यार मेरा बेटा बाप के गले लग जा तू ठीक हो गया मेरे बेटे तू ठीक हो गया आराम से उठो बेटा आराम से उठो बेटा अंदर ले चलो आराम से ले चलो हाँ ले चलो आराम से अंदर ले चलो बेटा वो देख रहा हूँ बाबा तो चले नहीं गए जब देख कर आओ जी मैं देख कर देख कर आओ अंदर आप मिले बाबा मिले हैं बाबा तो हैं कहीं दिखाई नहीं दिए दिखाई नहीं दिए नौकर बता रहे थे कि वो काफी जल्दी में थे उन्होंने बाबा को रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुके नहीं पता कि वो क्यों चले गए ये क्या हुआ अंकल कई सालों पहले मैंने उनके बेटे को इलाज करने से मना कर दिया था आज उस बाबा ने मेरे बेटे को ठीक कर दिया मैं जिंदगी भर उनका कर्जदार रहूंगा बेटा हाँ अंकल अब तो जो हो गया वो हो गया अंकल बहुत बड़ी गलती हो गई अपने आप को संभालिए अंकल बेटा क्या तुम उनका घर जानते हो अंकल मैं तो उनके घर भी गया था क्या मुझे उनके घर ले चलो भाई हाँ चलो बेटा उनके घर ले चलो मैं उनसे मिलके माफी मांगूंगा उनके पैरों में पड़ के अपने अपराध की गलती की माफी मांगूंगा ले चलो बेटा जल्दी ले चलो 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 बेटा चलो Yeah.